भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 11 अक्टूबर 2020 है, आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि नवमी है, वार रविवार और विक्रम संवत 2077 चल रहा है। तिथि नवमी साय 5:54 तक के उसके उपरांत दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पुष्य रात्रि में 1:19 तक के उसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सिद्ध रात्रि में 10:53 तक उसके उपरांत साध्य योग आरंभ हो जाएगा। करण गर साय 5:54 तक उसके बाद वणिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:28 पर और सूर्यास्त 5:59 पर हो रहा है। भद्रा रात्रि में 5:16 से गणमूल प्रारंभ हो रहे हैं रात्रि में 1:19 से। सर्वा सिद्धि योग रवि पुष्य योग सूर्योदय से रात्रि में 1:19 तक है और ज्वालामुखी योग भी रात्रि में 1:19 से है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया 7:54 से 9:21 तक है। इस समय आप वे सभी कार्य कर सकते हैं जिनको आप पुनः पुनः करना चाहते हो। व्यापार से संबंधित छोटी यात्रा, आसपास में कहीं मिलने जाना है, कोई फोन पे बातचीत है, वो सब इस समय की जा सकती हैं। लाभ और अमृता चौगड़िया 9:21 से 12:14 तक है। इस समय आप स्वास्थ्य से संबंधित, अपने व्यापार से संबंधित कोई ऑर्डर देना है, किसी से मुलाकात करनी है, अपने बॉस से कोई टेलीफोनिक बातचीत करनी है, पिछले दिनों कोई चीज़ों कमी रह गई थी उसको पूरा करना है, ये उसके लिए श्रेष्ठ समय हो सकता है। शुभ का चौगड़िया 1:40 से 3:06 तक है। इस समय मांगलिक कार्यों के जो शुरुआत है वो की जा सकती है। इसमें विवाह आदि के कार्यक्रम है या किसी व्यक्ति से कोई मुलाकात करनी है, व्यवसाय से संबंधित कोई भूमि से संबंधित बातचीत करनी है, देखने जाना है, या कोई इस तरह की स्थितियाँ हैं जिसमें मकान आप खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना देखना चाहते हैं, तो उन सब के लिए बेहतर समय हो सकता है। राहु काल वेला दिन में 4:30 से 6:00 तक है। इस समय कुछ लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनको टाला जाना संभव ना हो तो मिष्ठान आदि का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें, इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा स्वयं की राशि कर्क के अंदर है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि कर्क राशि का चंद्रमा दूसरों की केयर, अपने भावनाओं की बहुत ही एक अच्छी संभाल, परिवार में सबके साथ मिलजुल करके कार्य की व्यवस्था और व्यवसायगत उन्नति और श्रम साध्यता की तरफ जाता है। इनमें से जो भी आपका क्रम बनता हो, अगर परिवार में पिछले दिनों कुछ तनाव या कुछ ऐसी स्थिति रह गई थी जिनके कारण आपसी संबंधों के अंदर कुछ फर्क पड़ गया तो वो बातचीत करने का आज अच्छा समय हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए भी अपने डॉक्टर से मिलना, बात करना, वो भी एक अच्छा समय हो सकता है इस समय। साथ ही साथ अगर कोई मांगलिक कार्यों की शुरुआत करनी है तो उसके लिए पुष्य नक्षत्र बहुत बढ़िया नक्षत्र मान जाता है, वो भी आज के दिन उपलब्ध है। तो बहुत सारी चीज़ें आज बेहतर हैं। पुराने अगर कोई पेमेंट संबंधी लेन देन की बात करनी है तो ऑर्डर देने नए सामान के, तो इन सब के लिए आज एक अच्छा समय दिखाई देता है। साथ ही साथ बृहस्पति का धनु राशि में होना और अपनी स्वर राशि में होना, चंद्रमा का अपनी स्वर राशि में होना, ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से शनि के साथ चंद्रमा जब दृष्टि संबंध बनाते हों तो राजनीतिक उथल पथल भी दिखाई देती है। एक तरफ वे लोग हो सकते हैं जो चीज़ों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं और दूसरे उस चीज़ को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास में जो मानसिक तनाव है उसको भी ये दर्शाता है कि कितना वो उच्च स्तर का आज के दिन में आप टीवी या समाचार के माध्यम से देखेंगे बड़ा उथल पुथल आपको दिखाई दे सकता है। तो उसका भी ख्याल रखने की आवश्यकता है कि कहीं आप ऐसी स्थिति में अपने आप को ना फंसा लें जो किसी एक पक्ष से जुड़ने की स्थिति बने। बहुत समझ कर काम करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में व्यवसायगत निर्णय लेते समय बड़े निर्णय लेने से आज बचने की आवश्यकता है। जो आपके काबू में आ सके ऐसी चीज पर ही आपको नियंत्रण बनाने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य में वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ और साथ में बात करेंगे आपके सवालों की।
सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तकनीकी संसाधनों के क्षेत्र में प्रगति के अवसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य से अधिक सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आर्थिक लेन देन की चिंता में थोड़ी कमी आएगी। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, कानूनी मामलों में सावधानी आपको रखनी होगी। पारिवारिक विवादों और संपत्ति संबंधी जो मतभेद अगर कहीं हैं तो सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में छोटी छोटी उपलब्धियां आपको मिलने से मन आपका प्रसन्न रहेगा। पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। सवाल लेते हैं सौमन्या जी का। 1/10/1984 ये जानना चाहते हैं कि कौन सा बिजनेस ये करें। देखिए, आप में डेडिकेशन है, मेहनत करने की दक्षता है और चीज़ों के पीछे जाकर के मतलब बहुत दूर तक देखने की आपके अंदर क्षमता है। सबको साथ लेने का आपके अंदर अनुभव जन्य आपके पास में एक ज्ञान है। तो इस माध्यम से आप कला जगत से जुड़े हुए या ड्रेस डिजाइनिंग, डिजाइनिंग पार्ट, ऑर्नामेंट्स, कुछ भी ऐसा जिसमें कला और मैनेजमेंट दोनों मिल जाएं और उससे कोई बिजनेस बनता हो, वो सारे बिजनेस आपके। तो इसलिए आप इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। साथ ही साथ में आपकी जो आंतरिक ऊंचाई है, जो एक मैनेजमेंट की जो आपकी दक्षता है, वो अगर जिस भी फील्ड में लगेगी उसमें एक टीम की जरूर आपको आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जो व्यावसायिक दृष्टिकोण है वो आपका थोड़ा कम है। तो आपको एक दो ऐसे लोग जो अकाउंटिंग में बहुत बेहतर हों, जो व्यावसायिक दृष्टिकोण, जिनका लाभ कमाने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो, क्योंकि आपकी परोपकार की प्रवृत्ति ज़्यादा है, तो उस तरह से आपको एक दो लोगों की टीम साथ में चाहिए। आप देखेंगे ये टीम बन जाएगी तो आपको बहुत बेहतर। बुधवार का व्रत आप करें तो आपके अंदर भी प्रतिभा खड़ी होगी। गणेश जी का आप लगातार जो है ओम गंग गणपते नमः मंत्र से आप इस मंत्र को अपने अंदर इसकी लगातार दिन के अंदर 108 बार से लेकर के 1008 बार तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे इससे भी आपकी व्यावसायिक जो अंदर क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। मिथुन राशि, नौकरी में अपने कड़े प्रयास और कार्य कुशलता से विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर पाने में आप सक्षम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वभाव को काफी शांत और संयमित आपको रखने की आज आवश्यकता है। मिल्की व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, आत्मविश्वास की कमी अगर रही तो चीजों में थोड़े मतभेद आपको दिखाई दे सकते हैं अपने आसपास के लोगों से। छोटी बड़ी बात में आपको अगर थोड़ा सा नाराजगी दिखाई दे रही है तो उससे आपको बचना होगा। डार्क ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल, जिनके अंक डेट ऑफ बर्थ है 23/12/1974, ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस कौन सा करें। आपने जो डेट्स दिए हैं उसके अनुसार आप में कुछ क्षमताएं तो बहुत बेहतर है और कुछ क्षमताएं उतनी आप समझ नहीं पाते, बीच के अंदर चीजें डाइवर्ट हो जाती हैं। तो आपको पुण्य बढ़ाने की अपनी आवश्यकता है, साथ ही साथ एक टीम की आवश्यकता है, और उसके साथ ही हो सकता है कि अगर आप कोई स्थान परिवर्तन करें तो इसका भी कोई लाभ आपको मिले, या कुछ चीज़ों का परिवर्तन, जैसे आप उन सभी चीज़ों का व्यवसाय कर सकते हैं जिनके अंदर सुंदरता बढ़ाने, यानी कि कोई होम डेकोरेटिव से लेकर के आप रोजमर्रा की जीवन में गृह सज्जा, अन्य प्रकार के जो वस्त्र आभूषण, इन सब के आप कार्यों को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ कम पूंजी वाले व्यवसाय करने का, आप बहुत लंबा चौड़ा धन लगा करके व्यवसाय ना करें। जैसे जैसे व्यवसाय प्रगति करे आप धन बढ़ाएं, चाहे आपके पास धन रखा हो तो भी धन को ज़्यादा काम में लेने, धन के प्रभाव से व्यवसाय नहीं कर सकते आप। आपको धीरे धीरे सफलता पर आधारित व्यवसाय करने की आवश्यकता है। आप खान पान से जुड़ा हुआ भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। सिंह राशि, सभी कार्यों और बातों में गंभीरता आपको रखनी होगी। आज विवादों में अपनी भूमिका को न्याय से प्रेरित रखने की कोशिश करें। नौकरी और व्यवसाय में अपने अधिकारों और पद के अनुरूप कार्य करने की जवाबदेही आपको निभानी होगी। रॉयल ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है।
राशि, लोभ या किसी आग्रह में उलझ करके ऐसे सौदे आप ना कर बैठें जिनसे बाद में आपको थोड़ा तनाव हो। व्यर्थ के आक्षेप लगने की संभावना आज रह सकती है। आपको बड़ा संयमित अपने आप को रखना होगा। मेजेंडा कलर आज आपको सूट कर रहा है और एक अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1997। ये सवाल कर रहे हैं कि इनकी संतान जो अमेरिका में जन्म हुआ है और ये जानना चाहते हैं कि पढ़ाई और कई तरह के समस्याएं जीवन में आ रही हैं, क्या होना चाहिए। बिल्कुल ये चिंता का विषय है ये कुंडली। इसमें कई तरह की बातों को करने की आवश्यकता है। आपको गौवंश नंदी इनके लिए लगातार भोजन की व्यवस्था आप करें। इससे इसके पुण्य प्रभाव से आपके संतान में जो है अच्छे उसके उनके कर्मफल जागृत हों और उनको जीवन में सुविधा मिले, एक व्यवस्था हो सकती है। दूसरा, आप लगातार किसी ऐसे बच्चे की एजुकेशन की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं जो जिसके पास प्रतिभा तो है लेकिन संसाधन नहीं है, इसके कारण समस्या आ रही है। तो इसके पुण्य प्रभाव से भी आपके संतान में ये चीज़ें आएंगी। साथ ही साथ आप सोमवार का व्रत परिवार में कोई रख सकता है। ओम होम जूम से इस मंत्र का आप जाप करें और कल्पना करें कि आप इन मंत्रों को उनके लिए समर्पित कर रहे हैं, जिससे उनके चारों तरफ एक उनका ऑरा रिपेयर हो और गलत चीज़ों की तरफ वो आकर्षित नहीं हो और जो अच्छे लोग नहीं हैं वो उनसे ज़्यादा संपर्क में नहीं रह सकें। इस मंत्र के प्रभाव से ये भी एक फल आते देखे गए हैं, तो आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। और चाहें तो हर एकादशी का व्रत रख सकते हैं परिवार में कोई, और जो भोजन है उसका उचित पात्र को दान करें। इससे भी आपके पुण्य फल बढ़ेंगे, चीज़ें अच्छी होने की तरफ बढ़ सकती हैं। तुला राशि, पारिवारिक सहयोग से मुश्किल कामों में भी आसानी से बढ़त मिलती चली जाएगी। व्यावसायिक समझ बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को परिश्रम का उचित लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है। 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि, अनावश्यक बातों में ध्यान केंद्रित कर लेने से समय थोड़ा आपका वेस्ट हो सकता है। भागदौड़ आपकी बढ़ेगी। काम काज की अनिश्चितता रहने वाली है, इसका ख्याल रखना होगा। ग्रीनिश व्हाइट कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है विक्रांत जी का, 9/4/2000। ये भाग्य इनका ये जानना चाहते हैं मेरा भाग्य कैसा है। देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं है कि आपके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन वो डाइवर्टेड है। तो आपको अपने आप को एक बहुत समझ करके संयमित और तकनीकी दक्षता और एक पूरा अपने आप को संयोजित करना पड़ेगा। आपको अपने आप को अपनी प्रतिभा को एक जगह लगाना पड़ेगा, तब जाकर के सफलताओं के ऊंचे स्तर जो इस आपका हक है वो आपको मिल पाएगा। अब ये सवाल आपने जिनके लिए पूछा उनकी बात कर रहे हैं, तो उन्हें आपको एक ऐसी स्थिति में लाना होगा कि वो अपनी पूरी शक्ति लगाएं, डाइवर्ट ना हो और चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ें, तो फिर कोई सफलता की स्थिति दिखाई देती है। अगर वो इमोशनल होकर के चीज़ों में डाइवर्ट हो गए तो फिर चीज़ें दूसरी तरफ जाएंगी। तो ये इस तरह का एक कर सकते हैं। आप कह सकते हैं उन्हें कि वो मंगलवार का व्रत करें, इससे अनुशासन उनके अंदर आएगा और चीज़ों को सही क्रम में रखने की उनकी एक तरह से मनस्थिति बनेगी कि नहीं, ये करना ही है और इसमें सफलता पानी ही है। तो इस तरह का भी एक स्थिति बन सकती है। धनुराशि, अपने व्यवसायिक निर्णयों में दक्षता रखकर अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा समय आपका आज का दिन रह सकता है। इस मामले में तर्क संगत और न्याय संगत बातों से अधिकारी आपके प्रभावित होंगे। परिवार में उत्साह और आनंद की स्थिति रहने वाली है। रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, अपने नए संस्थान का कामकाज अनुभवी लोगों की देखरेख में आपको जारी रखें। अगर कोई चीज़ का आपने शुरुआत की है, बड़ा समझ करके उसको करने की आवश्यकता है। व्यावसायिक लाभ मिलने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए संतोष और धैर्य का परिचय आपको देना होगा। समय पर स्थिति आपके पक्ष में अपने आप बनेगी। ऑरेंज कलर आज आपको सूट कर रहा है। 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल है हितेश जी का। ये कह रहे हैं कि कैसा इनका व्यवसाय आगे हो सकता है। बिल्कुल बहुत ही शानदार 2024 के बाद की स्थिति है।
अभी थोड़ी स्थितियां ठीक नहीं है, तो आपको अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के अंदर बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए, पीला भोजन करें और साथ के अंदर आम का, अमरूद का, इस तरह के जो फलदार वृक्ष हैं, अनार का, ये आप वृक्ष लगाएं जिनसे बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जीवों को, सूक्ष्म जीवों को भोजन मिले, जिसमें आप कह सकते हैं कि शहतूत है, बहुत सारे जो फलदार, जो जल्दी फल देने वाले वृक्ष हैं और जिनसे सूक्ष्मजीवी, लाखों सूक्ष्मजीवी भोजन पाते हैं, ऐसे पौधे लगाएं और सार्वजनिक जगहों पर लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। देखभाल की जिम्मेदारी जिनको दें तो उनको धन की स्थितियाँ उपलब्ध कराएं। आप देखेंगे अगर इस तरह से आपने ये व्यवस्था की है तो ये आपके शुभ फलों में काउंट होगी और आपको धन की स्थितियाँ मिलती चली जाएंगी। इसके साथ ही आप चाहें तो अपने माता पिता का नित्य सेवा, कोई भी घर में बुजुर्ग जितने भी हैं उनकी, उनके लगातार बातचीत जारी रखें उनके साथ, उनसे उनके अनुभवों को सुने, चाहे वो आपके काम के हैं नहीं हैं, लेकिन उनके उनको लगातार उनसे बातचीत के क्रम में जुड़े, उनको अच्छा भोजन, उनसे अच्छा आशीर्वाद ये प्राप्त करते रहें, उनकी केयर करते रहें, आप देखेंगे आपकी स्थितियाँ बदलेंगी। आपके परिवार और घर में कोई ऐसा स्थिति नहीं है तो आसपास में इवन किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं आप डेडिकेटेडली, कि जहाँ जा करके आप साप्ताहिक रूप से उनकी मदद करने की कोई लें, और जैसे जैसे आपकी स्थिति बढ़े, अच्छी हो, तो आप किसी की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं, आप वचनबद्ध हो सकते हैं, तो आप देखेंगे आपके जो आर्थिक स्थितियां बहुत तेजी से बदलती चली जाएंगी। कुंभ राशि, नौकरी में कानूनी विवाद का सामना करना पड़ सकता है, अपने कार्य व्यवहार और व्यावसायिक नीतियों में परिवर्तन करने की आपको आवश्यकता महसूस होगी, विरोधियों से अधिक सतर्कता आपको रखना होगा। स्किन कलर आज आपको सूट कर रहा है, 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, संतान को मिल रही सफलताओं से मन उत्साह आपका महसूस करेगा, अधिकतर कामकाज तय समय सीमा में पूरे होने से बहुत शांति रहेगी, उचित अधिकार पद की बात होगी, आपके लिए प्रमोशंस या अन्य प्रकार की सुविधाओं में बढ़ोतरी होने की संभावना है, उसकी बातचीत हो इसकी संभावना है। एमरल्ड ग्रीन कलर आज आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे किन ग्रह योगों ने सुब्रमण्यम जयशंकर जी को बनाया देश का विदेश मंत्री।